यार सफदर, ये घर है तो जरा सा पुराना, ने और तमाम घर वालों ने बहुत पसंद से लिया है और कमरे बड़े कुशादा हैं और हवादार हैं। फिर सब बच्चों के पास उनका अपना अलग अलग कमरा है। हम तो बहुत खुश हैं यार यहाँ पे। यार सिद्दीकी, पता नहीं क्या बात है, मैं तो पुराने मकानों से बहुत घबराता हूँ, इसलिए मैंने तो प्लॉट लेके नया मकान बनाया। बहुत अच्छे। अब ये ना हो नए के चक्कर में बीवी नहीं लिया है। सोच तो रहा हूँ कि ले आओ। लगता है भाभी बुला रही तुम्हें। भाई यार, तेरी भाभी ने आज तक तो ऐसे नहीं बुलाया। यार कोई काम वगैरह होगा अंदर, जब भी तुम्हें बुला रही है। अच्छा मैं चलता हूँ। चल, कल अदालत में मुलाकात होगी। कबल इंशाल्लाह चलते हैं, हमारी भी क्या क्लास होती है। अरे भाई, बेगम साहब खैरियत, क्या हुआ? क्या मतलब, जब खैरियत ना हो क्या मैं तभी आपको बुला सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में मुझे कुछ घबराहट हो रही थी, मैंने सोचा आपके साथ आउटिंग पे चली जाऊँ। प्लीज चलिए ना, जल्दी आ जाएंगे। पर किस वक्त? यही तो वक्त होता है अपने लिए, वरना दिन भर बच्चों के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ऐसा करते हैं, बच्चों में से किसी को साथ ले दो। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ वक्त आपके साथ अकेले में गुजारना चाहती हूँ। तो कार की चाबी तो ले लूं? मैं पहले ही चाबी ले आई, मुझे मालूम था आप कोई बहाना करेंगे। वाह बहुत अच्छे भाई, चलो चलिए। बेगम, हमारी शादी को 25 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कभी भी रात को घूमने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ये आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये आप कभी नहीं जान सकते बैरिस्टर साहब, तो मुझे क्या हुआ है? अरे भाई, वही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं कुछ अहम बातें आपसे करना चाहती हूँ, जिन्हें सुनकर शायद आपके आसान खता हो जाए। वो क्या? जरा गाड़ी को सड़क के किनारे रोक लीजिए, ताकि हम दोनों आराम से कुछ बातें कर सकें। अरे भाई, इतनी वीरान सड़क पे कहाँ, क्यों ना होटल चल के बैठते हैं वहाँ पे? जो कह रही हूँ वो करो। अब बताओ क्या बात? तुम मुझे अपनी बीवी ताहिरा समझ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैंने उसका रूप बदला हुआ है। तो कौन हो तुम? ये तुम कभी नहीं जान पाओ। तुम्हारी बीवी इस वक्त घर में गहरी नींद सो रही और तुम मेरे पास हो। हेलो, क्या ये सब कैसे हुआ? ओह माय गॉड, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। या अल्लाह, मेरी जान को कुछ ना। मेरे वालिद इजाज़ सिद्दीकी शहर के मशहूर बैरिस्टर थे। तकरीबन सभी अदालतों के जज उन्हें कदर की निगाह से देखते थे। ये घर मेरे दादा ने बनवाया था, मेरे वालिद भी इसी घर में पैदा हुए थे, लेकिन जब मेरे वालिद बहुत छोटे थे तो मेरे दादा ने अपने कारोबार में होने वाले नुकसान की वजह से इस घर को फरोख्त कर दिया। मेरे वालिद जब
इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेकर आए, तभी से उन्होंने इस घर को वापस लेने की कोशिशें शुरू कर दी। कई बरसों की कोशिशों के बाद मेरे वालिद इसमें कामयाब हो गए और उन्होंने इस घर को वापस ख़रीद लिया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये जगह हम बहन भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जाकर बस आखिर आप कब तक रोती रहेंगी, कुछ बताएंगी भी? आखिर क्या हुआ है पापा को? अभी तो वो सफदर अंकल के साथ लॉन में बैठे हुए थे। अभी 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 पुलिस का फोन आया था, वो बताया था उन्हें तुम्हारे पापा की लाश, तुम्हारे पापा की लाश उन्हें सड़क पर गाड़ी में मिली। पापा की लाश? इट्स इम्पॉसिबल। वो कह रहे थे उन्होंने लाश को मुर्दा खाने में रखवा दिया। तो भाई हम सबको फौरन वहां पहुंचना चाहिए, चले ना। कह रहे हो बस, चले अम्मी चलते हैं, अल्लाह करे कि वो लाश किसी और की हो। तुम्हारे पापा तो रात को कहीं नहीं जाते थे, मेरे अल्लाह ये क्या हो गया? प्लीज समझ से काम ले, हो सकता है कि पुलिस वालों को कोई गलत फहमी हुई हो। चले आज चलो चलो। क्या हुआ मामा? फिर उसके शौहर ने आयतल कुर्सी पढ़ी तो सरीना आनन फानन गायब हो गई। मम्मी ये सब उसके शौहर का वहम होगा और कुछ नहीं। उसने अपने कानों से सुना है और तुम कह रहे हो कि वहम है, सरीना का तो ख्याल है। पूरे घर पर किसी आसेब का साया है। इस साये और आसेब की बातें तकिया नूसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारे पापा की मौत भी इसी आसेब की वजह से हुई। हम सब घर वाले सदमे से निढाल पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस इंस्पेक्टर के सवालों ने हमें बहुत परेशान किया। वो पूछ रहा था कि आपके वालिद की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, आप लोगों को किसी पर शक तो नहीं? और हम लोग जल्द अज जल्द अपने वालिद की लाश देखना चाहते थे। कुछ देर के बाद वो हमें इडी सेंटर के सर खाने मिले गए। हम सब ने अपने पापा की लाश को पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया था कि इनके पूरे जिस्म पर किसी औरत के नाखूनों के निशान मिले हैं। सरीना मुझे बता रही थी कल दिन में ना उसका शौहर घर के पीछे कुछ काम कर रहा था, अचानक उसे आवाज आई, उसने मुड़कर देखा तो सरीना खूब सजी सवरी सामने खड़ी थी, हालांकि एक लम्हे पहले वो उसे किचन में काम करता छोड़कर आया था। फिर क्या हुआ मामा? फिर उसके शौहर ने आयतल कुर्सी पढ़ी तो सरीना आनन फानन गायब हो गई। मम्मी ये सब उसके शौहर का वहम होगा और कुछ नहीं। उसने अपने कानों से सुना है और तुम कह रहे हो कि वहम है, बल्कि सरीना का तो ख्याल है। पूरे घर पर किसी आसेब का साया है। इस साये और आसेब की बातें तकिया नूसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है मेरे पापा की मौत भी इसी आसेब की वजह से हुई। कम ऑन मम्मा, उनकी डेथ तो एक सड़क पर हुई थी। मैं आपको सरीना की बातों पर बिल्कुल भी कान नहीं धरने चाहिए, वो एक अनपढ़ और जाहिल औरत है। मैं और मेरे छोटे बहन भाई जिन्नात भूत वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, लेकिन एक दिन हमारी घरेलू मुलाजमा जरीना हमारी मामा को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की अजीब व गरीब कहानी सुनाने लगी। मामा ने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया।
अरे जरीना मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे। तुझे तो हर वक्त भूख लगी रहती है, जरा सबर नहीं होता। चल जा कमरे में, लाती हूँ तेरे लिए खाना। देख ज्यादा देर मत लगाना। अच्छा अच्छा। वैसे वो देखने में हूँ बहू तेरे जैसी थी, लेकिन तू जरा गंदी मंदी रहती है, वो तो देखने में लाश पाश थी। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम मर्दों को हमेशा दूसरी औरत ही अच्छी लगती है, चले जाते ना उसी के साथ। वो तो मुझे खा जाती, पता नहीं क्यों मैं डर सा गया। अच्छा अच्छा खाना खा जल्दी से, मैं कपड़े बदल कर तैयार होकर आती हूँ, जरा बाहर चलते हैं, बाहर निकले हुए। ये हुई ना बात। कैसी लग रही हूँ मैं तुझे? बिल्कुल चड़ैल जैसी। लगता है तुझे वो ज्यादा ही पसंद आ गई, अगर मैं वो चड़ैल बन जाऊं तो। नहीं मैं जानता हूँ तू तो मेरी जरीना है। राबिया ये देखो, ये तुम्हारी 8 साल पुरानी तस्वीर है। कितनी प्यारी होती थी तुम। कितनी कमजोर थी मैं। बेगम साहबा, बेगम साहबा, मेरा घर वाला कमरे में नहीं है जी, उसने मुझे खाना लाने के लिए कहा था, जब मैं खाना लेके आई तो वो था ही नहीं, मालूम नहीं कहाँ चला गया। जरीना तुम खामखा परेशान हो रही हो, किसी काम से क्या होगा अभी आ जाएगा। नहीं बेगम साहबा मुझे वहम हो रहा है जी, उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। आ जाएगा वो, क्यों परेशान होती है तू? मुझे परेशानी हो रही है जी। जाओ काम करो, आ जाएगा वो। ये देखो फारिस और कितने छोटे हैं ना दोनों। बासित को भी देखो। अगले 2 रोज तक जरीना के शौहर का कोई सुराग नहीं मिला। हम सब परेशान थे कि अचानक वो कहाँ चला गया। 3रे दिन हमें एक पार्क के पास जरीना के शौहर की लाश पड़ी हुई मिली। मैं जरीना के साथ वहाँ पर गया, उसने कपड़ों से अपने शौहर की लाश को पहचान लिया और धाड़े मारती रोने लगी। जो बदरूएं होती है ना बहुत खौफनाक होती है, जो दिल चाहे वो कर सकती है। हम इनके आगे बिल्कुल बेबस है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लिसन फारिस भाई, हम सब के लिए कह रहे हैं कि इमिग्रेशन अप्लाई करें, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हम सब ने छोड़कर ही चले जाए। हम में से कोई बचेगा तो कनाडा जाएगा ना, मुझे तो लगता है ये घर हम सबको खा जाएगा, हम सबको खा जाएगा। मम्मा प्लीज। जरीना अपने शौहर की मौत के 1 महीने बाद हमारा घर छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे बदशगुनी और तोहमात का सिलसिला छोड़ गई। मुझे और मेरे बहन भाई को जरीना की बातों पर कोई यकीन तो नहीं आया, मगर उसकी बातें हमारी मामा के जहन पर गहरा असर छोड़ गईं। उन्हें इस घर पर किसी बदरूह के असरात महसूस होने लगे। मेरे ख्याल में सब कुछ उनका वहम था, इसके सिवा कुछ नहीं। फारिस को समझाओ, जल्दी से जल्दी इस घर को बेचे। I don't want कि अब तुम में से किसी का किसी किस्म का कोई नुकसान हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कौन मामा? आपको वहम हो गया कि इस घर में कुछ है? पापा की डेथ एक सड़क पर हुई थी और वो जरीना का शौहर एक पार्क में मारा गया था। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा जो आप लोग समझ रहे हैं। तुम लोग कुछ नहीं जानते। ये जो बदरुएं होती है ना बहुत खौफनाक होती है। जो दिल चाहे वो कर सकती है। हम इनके आगे बिल्कुल बेबस हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लिसन मैम, फारिस भाई हम सब के लिए कह रहे थे इमिग्रेशन अप्लाई करें, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हम सब मुल्क छोड़कर ही चले जाएं। हम में से कोई बचेगा तो कनाडा जाएगा ना? मुझे तो लगता है ये घर हम सबको खा जाएगा। मम्मा प्लीज ऐसी बातें ना करें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चले आप चल के आराम करें। चाबी कहाँ गई? चाबी बासित। जी भाई। तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? भाई जरा एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। क्या इस वक्त जाना जरूरी? भाई प्लीज, कहीं आप भी मामा की बातें सुनकर उनके असर में तो नहीं आ गए? नहीं ये बात नहीं है, बस तुम जरा जल्दी आ जाना। आप फिक्र नहीं करें, मैं बस एक घंटे तक आ रहा हूँ। ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बासित प्लीज मुझे भी साथ ले चलो, घर में इतनी बोरियत फील कर रही हूँ। सॉरी मैं आपको अपने साथ नहीं लेके जा सकता, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। पागल हो गई हो क्या? मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ तुम ये ना जिद्दी हो। अच्छा ठीक है, तुम भी क्या याद करो, चलो। तो ठीक है यार, फिर क्या मसला है? हेलो जी, फारिस बात कर रहा हूँ। जी मेरा भाई है बासित। क्या? मगर कैसे? चले मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। मेरे छोटे भाई बासित की नागा मौत मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। सरदखाने में उसकी लाश देखकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने घर से निकलते वक्त राबिया और मामा को कुछ नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सर्दखाने में उसकी लाश को देखने के बाद मैं काफ़ी देर यही सोचता रहा कि उन लोगों को
बासित की मौत के बारे में कैसे बताऊंगा? अम्मी प्लीज खुद को संभालें, सब्र से काम लें। कैसे संभालूं फारिस खुद को? मैं तो सोचती हूँ मैं क्यों जिंदा बच गई, मैं क्यों ना मर गई। अल्लाह ताला अब मुझे मौत दे दे। अम्मी ऐसी बातें मत करें, आप क्या समझती इन बातों से क्या बासित वापस आ जाएगा? और अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो मेरा और राबिया का क्या होगा? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बिल्कुल जिंदा नहीं रहना चाहती। पहले तुम्हारे पापा और फिर मेरा मासूम बच्चा। मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, बारिश मम्मा जाना चाहती हूँ। मैं आपकी यही बातें राबिया पर भी बुरा असर डाल रही है। कितनी गुमसुम सी हो गई है वो। फारिस, फारिस, बेटा खुदा के वास्ते इस घर को बेच दो, बहुत मनहूस है ये घर, उन दोनों को खा गया। अब मुझ में हौसला नहीं तुम दोनों को खोने का, जल्दी से जल्दी इस घर को बेच दो। अच्छा ठीक है, बासित के चैलम के बाद इस घर को बेच देते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन अम्मी आप खुद को संभालें प्लीज। बासित! मामा, मामा रुक जाओ। मेरी प्यारी मामा। बेटा रुको। बासित आइए, आइए। नहीं जाओ बासित। मैं आपको देख सकता हूँ मामा। बासित। हाँ मामा मैं आपको देख रहा हूँ मामा। बासित, 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 रुक जाओ बेटा। आइए। क्यों नहीं रुक रहे? आइए ना, आइए ना। कहाँ है तुम्हारे पापा? बासित, बासित! बासित की मौत का सुनते ही मामा बेहोश हो गई और राबिया तो उसके स्वयं तक मामा को होश नहीं आया। मैंने बड़ी मुश्किलों से छोटी बहन राबिया को संभाला। मामा तो हर वक्त बासित का नाम लेती रहती, मेरे भी हवास अब जवाब देने लगे थे कि आखिर हमारे खुशियों भरे घराने पर अचानक ये कौन सी इफ्तार आन पड़ी है जिसने पहले मेरे वालिद की जान ले ली और उसके बाद छोटे भाई बासित को निकल गई। राबिया मैं जानता हूँ हम लोग वक्त के बहुत मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और मुसीबतों का तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो हम पर, हमें इन सब का सामना बड़ी हिम्मत से करना होगा। मुझे तो ये सब किसी की साजिश लगती है फारिस भाई। मैंने नामालूम अफराद के नाम एफआईआर कटवा दी है पुलिस स्टेशन में। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है और जल्दी कोई सूरत हाल सामने आ जाएगी। मुझे बातें की बहुत याद आ रही है भैया। मामा, मामा।
बाहर हूँ मामा। पास आइए मेरे पास। आसिफ मेरे पास आइए मामा। आसिफ आइए बेटा, रुको, आपको देख सकता हूँ मामा। आसिफ, आसिफ कहाँ जा रहे हो? मामा, आसिफ, मामा, मामा, रुक जाओ, मेरी प्यारी मामा, बेटा रुको, आसिफ, आइए, आइए, नहीं जाओ आसिफ, मैं आपको देख सकता हूँ मामा। आसिफ, हाँ मामा, मैं आपको देख रहा हूँ मामा। आसिफ, रुक जाओ बेटा। आइए। क्यों नहीं रुक रहे? आइए ना, आइए ना। कहाँ है तुम्हारे पापा? आसिफ,